हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक वीडियो जो कि काफ़ी बेहतरीन वीडियो है। और ये लॉकडाउन टाइम की बात है, जो लॉकडाउन में अपन जैसे मान लो गाड़ी लेके कहीं जा रहे आ रहे और अपन की गाड़ी अचानक जैसे मान लो कहीं भी नीचे पत्थर में अड़ जाए और इंजन सीज हो जाए, तो जैसे ही मैकेनिक आपको बोले वह पूरा इंजन होएगा इसका, इसमें काफ़ी लंबा खर्चा है, 25-30 हज़ार खर्चा है, तो ऐसा ना करें, मैकेनिक से मना कर दें इंजन खोलने के लिए, क्योंकि अभी के टाइम लॉकडाउन में यही हाल हो रहे हैं। ज़्यादातर मैकेनिक इंजन खोलने पे आ रहे हैं, कोई सी भी गाड़ी, अभी नई की नई वेगन आ रही है, देख लो, इस वेगन आर का नीचे से पत्थर अड़ने की वजह से, चेंबर और ऑयल फिल्टर फूटने की वजह से ये गाड़ी का इंजन सीज हो चुका है। लेकिन हम इसको बिना इंजन का काम किए सक्सेस कर रहे हैं, इसको सही कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। ये देखो कस्टमर आगे बैठा हुआ है, मैंने घर पर ही लगा लिया इनकी गाड़ी ताकि भाई दिक्कत नहीं आए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको करवाना क्या है, आपको क्या करवाना है। पहले तो ये चैम्बर खुलवाना है इसका, और उसके बाद में ये देखिए चैम्बर खुलवाने के बाद में आपको ये नीचे से इसके मेन बिगिन खुलवाने हैं, वो मेन नहीं बिगिन, ये रिपेयर करवाना है आपको। इसमें आपको बिगिन टुकड़ी डलवानी है, और बिगिन टुकड़ी डलवाने के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगी, और इसको हल्की सी पॉलिश करवा लेनी है क्रैंक और रेकमाल से, ताकि ये गाड़ी हो जाए आपकी कंप्लीट, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप वापस आपका इंजन कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल पहले की तरह, आपको इंजन का काम कराने की कोई ज़रूरत नहीं आएगी। ये मैकेनिक होते हैं जो लूटने के लिए इंजन खोलने की बोल देते हैं, जो बस ये है उनको पैसे से मतलब है और कुछ नहीं है किसी का भी, जच्चे जैसे खोल लेते हैं इंजन को। ये देखिए मैं अब बता देता हूँ आपको, दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया है वैगनार गाड़ी, तो मैं किसी कारण से बाकी की वीडियो बनाना थोड़ा नहीं बना पाया, तो मैं आपको बता दूँ आपको क्या डलवाना है गाड़ी में। आपको ये टुकड़ी डलवानी है, ये पुरानी है जो उसमें निकली है, देखो ये पूरी घिस चुकी है और चिपक चुकी थी इंजन में, और ये नई है जो हमने डाली है, एक पीस बच चुका था जो मैंने आपको वीडियो दिया है। सिर्फ ये दो टुकड़ियाँ डलेंगी एक पिस्टन का, कोई भी जो चीज़ पिस्टन सीज होया होगा ना उसकी ये टुकड़ियाँ चेंज होंगी, उस पर हल्की सी पॉलिश होएगी और आपकी गाड़ी वापस कंप्लीट हो जाएगी, उसमें इंजन खोलने की कोई ज़रूरत नहीं आती है। ये मैकेनिकों का भ्रम होता है, वो बोल देते भाई आपका इंजन सीज हो चुका है, क्योंकि सीज तो होता ही है इंजन, तो अगर आप कंपनी में फ़ोन करके पूछो तो कंपनी भी बोलेगा भाई इंजन खुलेगा, क्योंकि कंपनी रिपेयर का काम नहीं करती है। तो आपको ऐसा लगा भाई ये मैकेनिक सही बोल रहा है, हकीकत में इंजन ही खुलेगा, तो ऐसा नहीं करवाना है आपको। आपको सिर्फ चैम्बर खुलवा के ये चीज़ें चेंज करवानी है उसकी, ये चीज़ें चेंज करने के बाद में इंजन कम्प्लीट फिर से वापस आपका कंपनी की तरह वापस फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी में। आप जैसे जा सकते हो, चाहो जितनी 1000 किलोमीटर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी में, सिर्फ ये चीज़ें चेंज करानी है। इंजन सीज हो जाता है ना, जैसे ऑयल फिल्टर या चैम्बर फूटने के बाद में जब इंजन सीज हो जाए, तो ये चीज़ें चेंज करा लेनी है, फिर आपकी गाड़ी परफेक्ट हो जाएगी फिर से पहले की तरह, और उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ना ही कंपनी कोई कमी बता सकती है, ना ही कोई मशीन उसमें कोई कमी बता सकती है। तो ये मैं बाकी की वीडियो बनाना दोस्तों कोई कारण की वजह से मैं नहीं बना पाया, बाकी मैं बता रहा हूँ आपको भाई ये चीज़ें चेंज होंगी और कोई चीज़ चेंज नहीं करवानी आपको। तो अगर आपको ऐसा लगा कभी मैंने आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो बनाई है, या आप भाई मैंने पब्लिक प्रॉफिट की वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर सकते हैं, और अगर हो सके तो आप शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।